चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में 140 साल पुराना केबल ब्रिज टूट गया। मच्छू नदी पर बने पुल टूटने से 141 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ब्रिज के केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 150 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना की 8 टीम, वायुसेना नौसेना की 2 टीम, स्थानीय प्रशासन समेत टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 100 लोगों की क्षमता वाले ब्रिज पर 500 लोग बताए जा रहे हैं। पुल को 4 दिन पहले ही खोला लेकिन फिटनेस नहीं कराई। 1880 में यह ब्रिज बना था मोरबी के बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में। और 43 साल पहले भी मोरबी में मच्छू नदी पर डैम टूटने से मातम छाया था। 10 अगस्त 1979 में बांध टूटने से 2000 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद में होने वाले रोड शो को रद्द कर दिया है। केवड़िया से सीधे मोरबी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर आपको बताएं कि 140 साल पुराना ये केबल का ब्रिज टूटा और कई लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा 141 के करीब पहुंच चुका है। और मोरबी से मनीष देसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मृतकों का आंकड़ा 141 पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये हादसा हुए करीब 13-14 घंटे ही हुए हैं और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने की कगार पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। कल 6:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम, सब लोग लगे हुए हैं और आर्मी की तरफ से भी 2 कंपनियां भेजी गई है। वो मिल मिला के अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 135 जितनी डेड बॉडी जो है वो उनके परिवार को दे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ डेड बॉडी जो है अभी संभावना है कि 4 से 5 डेड बॉडी अंदर हो और अभी भी वो रेस्क्यू वर्क जो है वो जारी है। मनीष, आप बता रहे हैं कि 4 से 5 शव और बरामद हो सकते हैं, लेकिन मनीष जानकारी तो ये भी है कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़ा है वो ये संभावना जताई जा रही थी कि 50 से ज्यादा लोग लापता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है डेड बॉडीज निकल के आ रही है और उसके मुताबिक जो है अभी, क्योंकि हमारी यहाँ स्थानीय पुलिस के एक अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना ये था कि कितनी बॉडीज मिसिंग हो सकती है, उनके पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये आंकड़ा वो दे रहे थे। मनीष, अभी कितने लोग बताए जा रहे हैं कुल मिलाकर जो इस हादसे का शिकार हुए, कुछ आंकड़ा बताया गया है क्या? देखिए आधिकारिक तौर पर गृह राज्य मंत्री जो है हर्षवंत सिंह, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि ये आंकड़ा 100 का है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है 133 से ज्यादा डेड बॉडी जो है उनके परिवार को सौंप दी गई है और इसके चलते अगर आंकड़ा देखा जाए तो 150 के आसपास का हो सकता है। तो गंभीर रूप से घायल है, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे आंकड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल, और मनीष जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के कगार पर है, ऐसे में जो लोग लापता हैं तो उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती? पर ये रेस्क्यू वर्क अभी जारी है और इसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि जल्द ही जो है ये काम खत्म हो सकता है और ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 50 का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो अधिकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक 4 से 5 लोग ही लापता हो सकते हैं। यानी कि 50 का जो आंकड़ा बताया जा रहा था मनीष कि 50 लोग लापता हैं, आप ये बता रहे हैं कि अभी 4 से 5 लोग और लापता बताए जा रहे हैं, यानी ये आंकड़ा कम हो रहा है। लेकिन ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री सीधे मोरबी पहुंच सकते हैं, मनीष इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री यहाँ पर
डेरा जमा से बैठे हैं। हालांकि प्रशासन को ये इतला दी गई है कि आप किसी भी इमरजेंसी वीआईपी मूवमेंट के लिए तैयार रहिए, तो प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं। जी मनीष, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि मुख्यमंत्री उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे, तो फिलहाल उनके हालात कैसे हैं, स्थिति कैसी है उनकी? बिल्कुल देखिए, जो लोग बहुत से ज्यादा लोग जो है अस्पताल में भर्ती है, और उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें से ज्यादातर लोग रिकवर हो पाएंगे। चार पांच लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, हो सकता है कि उनके बचने की उम्मीद कम की जा सके। मनीष, इसकी कोई जानकारी कि अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं? चलिए, मनीष देसाई हमारे संवाददाता मोरबी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम वो जानकारी दे रहे थे। और बड़ा अपडेट यही है कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म होने के कगार पर है, और जितने लोग लापता बताए जा रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग रह गए हैं जिनको ढूंढना बाकी है। लेकिन बड़ा हादसा और कई लोगों की जान इसमें चली गई, और अब ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री सीधे मोरबी जा सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया उनसे वो मिल सकते हैं, और जो अस्पताल में भर्ती हैं संभवतः उनका हालचाल भी जान सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री वहां पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, भूपेंद्र पटेल कुशल क्षेम उन्होंने घायलों का जाना, जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे बातचीत भी की। हालांकि मुआवजा राशि का ऐलान भी किया गया है केंद्र और राज्य की तरफ से। बड़ा अपडेट यही है कि अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो रहा है, और जो लोग लापता थे उनके लिए, उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कई शव अभी भी बाहर निकाले गए हैं। अभी एक जब तक दूसरा मिसिंग का जब तक नहीं आएगा हमको टोटल नंबर ऑफ, तब तक हम उसका कामगिरी कर, जब तक सभी सेटिस्फेक्शन यहाँ से बाहर से कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि यहाँ हमारा अभी कोई नहीं है, तब तक हम रेस्क्यू कामगिरी करेंगे। मेरा नाम इलियास खेर, चीफ फायर ऑफिसर, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखिए, लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की 8 टीम, वायुसेना, नौसेना सभी जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और जो 150 के करीब बताया जा रहा था कि लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनमें से 141 से ज्यादा की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। और जैसे कि जानकारी ये भी है कि 4 से 5 शव और बाहर निकालने बाकी हैं। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चीर शांति मिले। काले सांजे 6:30 वागे मोरबीनो आ झूलतो पुल पड़ी जवाना अनेक लोको ए ब्रिज पर रविवार होवाना कारणे पोताना परिवार जोड़े फरवा आवेला हता। 6:30 वागे आ घटना बनी। 6:45 थी मोरबी शहरनी फायर ब्रिगेडनी टीम, एम्ब्युलेंस 108, डॉक्टरोनी टीम, सरकारी तंत्र स्थल पर पहुंची गयेलू हतु। मोरबी शहरना नागरिकोए भी सरकारी तंत्र जोड़े मलीने तात्कालिक आ राहत कामगिरी में जोड़ाईने लोकोने बचावा माटेनी कामगिरी शुरू करी लीधेली। 6:50 थी हॉस्पिटल में आ नागरिकों ने पहुंचाड़वामा आवेला हता, अने खास करीने तंत्र द्वारा तात्कालिक मात्र सिविल हॉस्पिटल में ज नहीं
परंतु शहरनी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आ दुर्घटना में जे कई लोग क्या ने क्या इजा पामेला होय एवा लोकोने तात्कालिक सारवार मळे અને એની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી। और देखिए मोरबी हादसे पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है, साथ ही कहा है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी और सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। गृह मंत्री अमित शाह पूरी रात जानकारी लेते रहे। गुजरात सरकार मामले पर सख्त है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। जो लोग घायल हुए उनका ब्रिज का काम संभालने वाले पर केस दर्ज।